कुंद्रा का पहला इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें कही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा राज जो है उन्होंने खोला है तेजस्वी प्रकाश का। साफ साफ उन्होंने बताया कि फिनाले के दिन वो क्यों जो है हिस्सा नहीं बने पार्टी का, और उससे भी बड़ी बात कि आखिरकार जो है तेजस्वी प्रकाश जो है उस पार्टी में गई, लेकिन करण सीधे घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि दोनों के पास न एक दूसरे का फोन नंबर था न घर का पता था। करण ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि तेजस्वी को जो लोग जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से मेरा गेम खराब हुआ, मैं उनको कहना चाहूँगा कि तेजस्वी की वजह से मेरा कोई गेम खराब नहीं हुआ, बल्कि वो तो मेरी स्ट्रेंथ थी। वो घर के अंदर नहीं होती तो मैं पता नहीं कब तक टूट चुका होता। आगे उन्होंने कहा कि मैं घर जल्दी निकल गया और उसके बाद जो है मैं घर पे सो रहा था, लेकिन अचानक ही सुबह 5:30 बजे मैंने देखा तेजस्वी आई है। फिनाले की पार्टी के बाद वो अपने घर पे नहीं गई सेलिब्रेट करने के लिए, वो मेरे घर आई। उसके पास मेरे घर का एड्रेस नहीं था, फ़ोन नंबर नहीं था। उसने प्रोडक्शन वालों को बोला कि मुझे करण के घर छोड़ दो, और वो मेरे घर आई और वो जो है मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। फिर हम उसके घर गए तो ये बात जो है उन्होंने कही है कि मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं हो पाता, मैं सो गया था। शी लैंडेड एट माई हाउस एट 5:30 इन द मॉर्निंग, इट वॉज क्यूट। आई एम सो यूज टू स्पेंडिंग ऑल टाइम विद हर दैट नाउ व्हेन शी इज नॉट विद मी आई स्टार्ट मिसिंग हर, वी आर बोथ गोइंग बॉन्कर्स। तो ये बात जो है उन्होंने साफ साफ कही कि मैं भले ही पार्टी का हिस्सा नहीं था, लेकिन तेजस्वी को फिनाले के बाद अपने घर के साथ नहीं बल्कि वो मेरे पास आई, उसने मेरे साथ सेलिब्रेट किया, और उसके पास ना एड्रेस था ना फोन नंबर था, बल्कि वो प्रोडक्शन वालों को उसने बोला कि मुझे वहां लेकर जाओ, वो लोग छोड़ कर गए। तो एक बात तो है कि करण ये कह रहे हैं कि उनको इस शो में वो चीज मिली जो वो पाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस प्लैनेट की सबसे अच्छी लड़की जो है वो मुझे मिली है, और दोस्त मिला है उमर रियाज जैसा।